नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ महापुरुषों की होर्डिंग फाड़े जाने को लेकर राष्ट्रीय विद्यार्थी चेतना परिषद ने कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय विद्यार्थी चेतना परिषद सदस्य हरेंद्र यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सदस्य ने बताया कि वे कई वर्षों से बीपी मंडल की जयंती मना रहे हैं। जयंती के अवसर पर प्रचार प्रसार व संदेश देने के लिए महापुरुषों की होर्डिंग लगाते हैं। होर्डिंग लगाने के लिए नगर पालिका परिषद को भुगतान भी किया गया था। 21 अगस्त को श्रद्धांजलि के बाद महापुरुषों की होर्डिंग कचहरी से सटी लगी हुई थी। अपने अराजक तत्वों ने होर्डिंग को फाड़ दिया, जिससे न केवल महापुरुषों का अपमान हुआ बल्कि उनकी भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया है कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, यह है कि दिनांक 21/8/2020 की शाम को हम लोग विभिन्न महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 20x10 सेंटीमीटर के होर्डिंग लगाए थे, जिस पर महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहूजी महाराज, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, अब्दुल कलाम, फुलन देवी, बीपी मंडल आदि की तस्वीरें थीं, जो दीवानी कचहरी के पिछले हिस्से पर हम लोग लगाए हुए थे। और होर्डिंग लगाते ही 2-3 घंटे के बाद होर्डिंग फाड़ करके फेंक दी गई, और होर्डिंग को हम लोग नगर पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए लगवाए थे। और इस होर्डिंग को जो है अराजक तत्वों द्वारा फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, और अपने महापुरुषों का अपमान होने से समाज के सभी वर्गों, सभी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और उनमें व्यापक आक्रोश व्याप्त है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों को अपमान करने वाले अराजक तत्वों पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, जांच करवा करके दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।